अपने हिंदुस्तान को देखो, शहरों के बाजारों में भूखे बच्चे पत्तल चाटे, कुत्ते घूमे कारों में। नहीं होगा, और जब तक मेरी मौत नहीं आएगी दुनिया में कोई मारने वाला पैदा नहीं है। और सिक्योरिटी तो इंदिरा गांधी के पास भी थी, फिर क्या हुआ? सही बात है, हैं? सिक्योरिटी तो राजीव गांधी के पास भी थी, तब क्या हुआ था? और यही सिक्योरिटी तो बेअंत सिंह जो पंजाब का मुख्यमंत्री था उसके पास भी थी, तब क्या हुआ था? तो सिक्योरिटी से तुम सुरक्षित हो जाओगे? ये तो फिर इनको बता देना सिक्योरिटी वालों को कि जो सिक्योरिटी में लगे हैं उनके ही पिताजी और भाई सड़कों पे पड़े हैं। फिर तो सिक्योरिटी विदेश से मंगा ले। अभी आपको तो ये प्रधानमंत्री पसंद नहीं है, तो आपके हिसाब से कौन होना चाहिए अगला प्रधानमंत्री? किसको लाए? जो किसानों की बात सुने। हाँ। सुनने वाला है ऐसा है, है? है कोई आपके नजर में? तो अगर ये नहीं सुनेगा तो इसे ही बैठाओ रखो। और सुनिए, देखिए, हर आदमी पूछता है कि ऑप्शन क्या है। मैं फिर बताता हूँ, जिस समय लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, लोग कहते थे अगर लाल बहादुर जी चले गए तो फिर कौन? फिर दूसरे प्रधानमंत्री आए। फिर इंदिरा गांधी आई, कि इंदिरा गांधी चली गई तो कौन? फिर दूसरे प्रधानमंत्री आए। और एक बात बताइए, अगर तुम मोदी को अच्छा मानते हो, 5 साल जिएगा, 10 साल जिएगा, उसके बाद कौन, तुम बताओ? आपके पास ऑप्शन कौन सा? और तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है? मैं ऑप्शन लेके बैठा नहीं हूँ ना, प्रधानमंत्री का ऑप्शन तो आप लेके बैठे। और मैं प्रधानमंत्री का ऑप्शन नहीं लेके बैठा। हमारा काम है सरकार से अपनी बात मनवाना। जो गलत सरकार करेगी, कल को चाहे तू प्रधानमंत्री बैठ जा, अगर गलत तू भी करेगा तो तेरे खिलाफ भी आंदोलन होगा। और किसान के पास है क्या ऑप्शन? लेकिन ताऊ, आप प्रधानमंत्री को बोल रहे हैं कि अच्छे नहीं है, लेकिन इनकी जो फॉलोअर्स हैं, जहाँ भी जाते हैं मोदी मोदी हर हर मोदी घर घर मोदी, लाखों लोग लगाते हैं। हाँ, आप आज आप देख रहे हो, दुनिया का पहला प्रधानमंत्री होगा जिसकी सबसे ज्यादा बुराई आज की तारीख में हिंदुस्तान में मोदी की हो रही है। लेकिन दुनिया का पहला प्रधानमंत्री है जहाँ हर हर मोदी घर घर मोदी नारा लगा। हाँ, अब नहीं लगता। अब दुनिया के इसी इन्हीं गांवों में और शहरों में इससे बड़ी बेइज्जती और क्या होगी? एक 10 साल की बेटी भारत के क्रिकेट प्लेयर को कहती है, जो आज तक नहीं कहा गया, इस मोदी की वजह से कहती है कि अगर किसानों का साथ नहीं दिया तो तू टॉयलेट पेपर है, डूब के मर जाए ऐसा प्रधानमंत्री। कुछ लोगों का ये कहना है कि प्रधानमंत्री अच्छे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कानून में क्या कमी है, अगर उन्हें बता दिया जाए तो कानून को जरूर बदलेंगे। तो कौन बताएगा? कौन बताएगा? बताओ कौन बताएगा? जो उसके विरोध में बैठा है वो बताए। हम तो बताने को तैयार है, सुने भी तो हमारी। अरे हम तो बताने ही तो आए थे उसे, हम 3 महीने से ज्यादा हो गए, हम बताने ही तो आए थे। अब ये देख क्या लगवा दिया, ये इतनी बड़े बड़े बैरिकेडिंग, इतनी बड़ी बड़ी कील ठुकवा दी सड़कों में, और आगे को बढ़े हैं तो गोले मारे हैं, पानी छोड़ रहे हैं, बता लाठी मारे हैं, तो कैसे बताएं? सुनता वो नहीं, फोन नंबर वो नहीं देता, जन किसान के मन की बात सुनता नहीं, अपने मन की बात कह के भग जा। कहाँ तोड़ा? हम तो बैठे आराम से। और अगर जिस दिन हम तोड़ेंगे, किसी माई के लाल पर रुकेंगे नहीं, ये भी लिख लो। वो प्रधानमंत्री का नहीं है, वो कराते ही नहीं, वो कराते ही नहीं ना, वो कराता ही नहीं। अब पीए से पीए को समझावे कानून या मोदी को समझावे, बताओ बताओ पहले तुम ही। जब मोदी को समझाने हैं तो बात मोदी से करनी पड़ेगी। इस देश की जनता ने वोट मोदी को दिया, पीए को नहीं दिया। तो उनके मंत्री तो समझा रहे थे ना आप लोगों को, किसके? और वो नहीं समझा पाए ना, तो फिर किसको आना पड़ेगा? अगर वे मंत्री होते, डेढ़ साल समझ जाते ना कि डेढ़ साल के लिए बोलते तो मान जाते हैं। तो हम तो मानने हैं, हमने क्या कही? हमने कुछ कही है? बैठे डेढ़ साल मान जाएंगे। हाँ तो मान गए हम तो, बैठे क्यों और क्या करें? कला करने लगे नहीं तो, जब मान गए तो फिर बैठने की क्या सकते? और क्या करें बता, क्या करें? जाइए घर। क्यों? यहाँ घर ना हमारा, हम तो जहाँ बैठ जा, किसान जहाँ बैठ जा
उसका वही घर है, ये ध्यान रखना। कौन से अब ये सरकार के आदमी ने बंद कर रखी खाली पड़ी, क्यों ना खोलते भाई जनता को हमने इतना बना रखा है अंदर, फिर घुस जाएंगे आप। अभी तो तुम कहते हो सरकार हमसे डरती नहीं, अपने आप ही कहो कि सरकार में डर इतना तो बताओ भाई क्या कहा जाए। हम नहीं रोक रहे, आप अंदर तो नहीं जाओगे फिर? कहाँ? अंदर दिल्ली में नहीं, जब तक हमारे नेता को हम तो कह के जाते हैं, हम मोदी की तरह चोर नहीं है ये रात सारे काम रात को करेंगे, हम तो ढोल बजा के कहें। और हमारे आदमी हमारे नेताओं ने कह दिया है कि हमें संसद जाना, संसद और अपने ट्रैक्टरों से जाएंगे, तो जब हम डिक्लेयर करेंगे तभी तो गांवों से हमारे ट्रैक्टर आएंगे, तो वो तो इन्हें भी पता चल जाएगा, ये जब लगा लियो इसे। किसने मना करी? बोल देंगे तोड़ के चले जाओ अंदर तो चले जाएंगे है? आपके नेता बोलेंगे नेता, तोड़ के चले जाओ, अगर हिंसा करने को कहे तो आप हिंसा भी कर लेंगे है? नेता अगर हिंसा करने को कहे कि तोड़ दो पड़ जाओ अंदर कोई दिक्कत नहीं है। नेता आगे का सवाल क्यों करते हो फालतू की चीज, हमारे नेता ने कब कही हिंसा करना? आपके नेता की बात आई, कल मंच पे ही आपके नेता ने भाषण दिए क्या, यहाँ टेंट में पथराव भी होगा आग भी लगेगी, क्यों क्या माने कि उन्हें पहले से पता है यहाँ क्या होने वाला है? नहीं उन्होंने कहा अपना चौकस रहना, इसका मतलब क्या है? आए नहीं थे पहले, हुआ नहीं पहले, अरे 28 तारीख को हुआ नहीं तो उन्होंने कहा है कि आप चौकस रहना, नालायक फिर भी आ सकते हैं, इसमें क्या कह दिया? हाँ तो हो सकता है, अरे जब किसानों को आतंकवादी कहोगे खालिस्तानी कहोगे इससे बड़ी गाली है हिंदुस्तान में, है इससे बड़ी गाली? पहले आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, आपके नेता को पहले से पता है यहाँ हिंसा भड़कने वाली है दोबारा क्यों? और दोबारा उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि उपद्रवी तत्व आ सकते हैं, चौकस रहना, जब वो हमें लाठी डंडों से मार सकते हैं। प्लानिंग है क्या कि पता है कि यहाँ से फिर से हमारे हमें सब जानकारी रहती है, हमारा पूरा हिंदुस्तान हमारा है, जानकारी रहती है तो ये भी बता दीजिए बिल वापस कब होगा? बता दिया ना, जब सरकार चाहेगी, जब सरकार चाहेगी, जब सरकार चाहेगी। तो सरकार के ऊपर चाना टिका हुआ है, इधर आपके नेता पे चाना टिका हुआ है, क्या जो नेता कहेंगे आप वो करेंगे, किसान नेता जो कहेंगे हाँ, उधर सरकार जो सरकार के ऊपर आप तो सरकार बात करेगी किसान नेताओं से, वार्ता होगी तभी तो बिल वापसी होगा। हाँ बताइए, हाँ तो है ना, हमने अपना नुमाइंदा चुन रखा और वो नुमाइंदा बात करता है, रोल सिर्फ बैठने का है। किसका? किस बीच में जो किसान है। हाँ सरकार और किसान नेता के बीच में जो पुल का काम कर रहा है किसान, हाँ उसका काम है कि सिर्फ बैठ रहे, 105 दिनों का बैठना काम है। तो ये जो मंत्री चुन के भेजे और ये प्रधानमंत्री हमने चुन के भेजा, क्या उसका फर्ज नहीं है कि अपनी जनता से बात करे? राजा का फर्ज क्या होता है कि उसकी प्रजा दुखी ना हो, और अगर ये प्रजा में एक व्यक्ति भी दुखी है तो राजा को नींद नहीं आनी चाहिए, राजा को भूख नहीं लगनी चाहिए। और यहाँ 250 से ज्यादा किसान शहीद हो गए और उसके कान पे जू नहीं रहेंगी, एक उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। नहीं अगर ऐसा है तो हाँ तो उसका मतले हो भाई, अगर जिसको दिक्कत है भाई जिसका देखिए हर व्यक्ति को अब ये जनता है, इनको मेरी बात कोई अच्छी लगी उस पे हंस पड़ते हैं, आपकी बात अच्छी लगती है उस पे हंस पड़ते हैं। यहाँ जो आमतौर पर इंटरव्यू देते हैं आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है क्या? अरे उन्होंने मेरा नाम लेके कहा क्या? तुम भड़का रहे हो, नहीं तुम जो भड़का, हाँ उनको जिन्हें बिल्कुल नॉलेज नहीं होती और तालियां बजाते पीछे खड़े होकर किसान लोग। तो अब किसान क्या करे? ऐसा है आप सुनिए भाई सुनिए देखिए बहुत सीरियस सवाल है, बहुत सीरियस सवाल। उन्होंने एक कौन व्यक्ति है, हर किसान जानता है बिल के बारे में? नहीं जानता ना, हर किसान नहीं जानता। अच्छा अब तुम जो ला के इसे लगा दोगे, जिस चीज का मुझे जानकारी नहीं है तुम लगा दोगे, मेरे मुंह से कोई शब्द गलत निकल जाएगा, तुम लोग उसको और उस पे मोटा सा हेडिंग लगा दोगे, चला दोगे, लोग उस हेडिंग को देख करके सोचते हैं कि इसमें क्या है, अब उसे सोचने में देखने में वो वीडियो वायरल हो जाती है। किसान को बिल के बारे में नहीं पता तो हर किसान विरोध के बारे में कैसे बताओ?
तो सर एक बात बताओ, अगर प्रधानमंत्री को हर चीज पता है तो बाकी मंत्रियों की क्या आवश्यकता है देश में, बताओ। आप बता दीजिए यहाँ पे इंटरव्यू किसका लिया जाए। मैं क्यों बता दूँ, ये राकेश टिकैत जी से पूछ लेते। तीन महीना में आपको जब उन्होंने आंसर नहीं दिया, अब आप बताइए। नहीं तो मैं इतनी पावर नहीं रखता कि मैं राकेश टिकैत जी की बात काट दूं। लेकिन ताऊ 100 दिन में आप इतने यहाँ किसान रह रहे हैं, आप उनको ये नहीं समझा पाए कि बिल में क्या करना है। हर इंसान पढ़ा लिखा नहीं है और वो इतनी मोटी किताब है, और जो जिनको चुन के भेजा, जिनको प्रधानमंत्री ने नियुक्त किया, वो 40 आदमियों को नहीं समझा पाए, वे 40 आदमियों को संतुष्ट नहीं कर पाए। हम यहाँ लाखों किसानों को दो आदमी कैसे संतुष्ट कर देंगे। अपने हिंदुस्तान को देखो, शहरों के बाजारों में भूखे बच्चे पत्तल चाटे, कुत्ते घूमे कारों में, झूठों से सौदा कर लेता। अब सच्चाई पे आ रहा हूँ। अगर झूठों से सौदा कर लेता अपनी सच्चाई का, नाम हमारा भी छप जाता संसद की दीवारों पे। वाह भाई, वाह भाई।